अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज़िया शकील नई लहर चैनल के प्रोग्राम काम की बातें से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि योम मई मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है ताकि शिकागो के मजदूरों की कुर्बानी को याद किया जाए और इस बात का आदा किया जाए कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुनिया भर के मजदूरों को उनका हक ना मिल जाए। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया में सिवाय कॉन्फ्रेंसों, जुलूसों और उनमें की जाने वाली लंबी लंबी और पुरकशिश तकरीरों के सिवा कुछ भी नहीं होता। आज भी मजदूरों का इस्तेहसाल जारी है, उनके हकूक की बात तो बहुत पीछे रह गई है, अब तो उनके सर्वाइव का मसला बना हुआ है। जदीद साइंस की तरक्की की वजह से जहां उनके लिए काम के मौके महदूद हो गए हैं, वहां दो वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल हो गया है। सेहत और तालीम की सहूलतें ना होने के बराबर हैं। इन हालात में उनकी आने वाली नस्लें कैसे तरक्की करेंगी? अगर हम थोड़ी देर के लिए खुद को उनकी जगह रखकर सोचें तो शायद हमें उनके दुख दर्द को समझने में आसानी हो। अगर हम संजीदा हों तो दस्तयाब हालात में भी उनके लिए कुछ आसानियां पैदा की जा सकती हैं ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर हो सके। आए, आज हम वादा करें कि वो मेहनत कश जो हमारे मातहत काम करता है, चाहे वो किसी दफ्तर में है, मिल या फैक्ट्री में है, किसी ठेकेदार के साथ है या घरेलू मुलाजिम है, उसके हकूक का ख्याल रखेंगे। इससे ना सिर्फ हमें रूहानी सुकून मिलेगा बल्कि अल्लाह के यहाँ भी इसका बड़ा अजर है।